अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर कैसे बना रही हूँ? बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप सब बनाते हो, सेम टू सेम वैसे ही बना रही हूँ, कोई उसमें अलग नहीं है। लेकिन मेरे पास आज इलायची नहीं है और मावा नहीं है, तो अब मैंने उसको कर लिया जुगाड़। तो आज मैं जुगाड़ू खीर बना रही हूँ। तो मैं क्या डाल रही हूँ जुगाड़ में? ये गुलाब, मैंने गुलाब का पाउडर है, ये मैंने खुद अपने हाथों से धो के गुलाब को सुखा के ने ड्राई कर लिए रहे, सुखा के रखे रहे फूल। तो फूल और मैं नाखूंगी इसके अंदर ये पाउडर जो मिल्क पाउडर हैगा, तो इससे मावे की कमी भी बहुत अच्छा रहता है। मावा नहीं डालो तो भी इसमें से चल जाता है। और ये है इलायची की कमी पूरी करेगा, ये मेरा रोज़ वाटर। जो ये रोज़ वाटर मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। तो अगर कोई भी रोज़ वाटर की वो रेसिपी चाहता हो कि रोज़ वाटर खुद घर में बनाना चाहता हो, तो वो मेरे को कमेंट करे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। कि आप जिसके भी सीखना हो तो मेरे से कमेंट करें। जो भी रोज़ वाटर, ये रोज़ वाटर अगर बनाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। रोज़ वाटर की वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और गुलाब का पाउडर किस तरह से मैंने सुखाया है वो भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं गुलाब का पाउडर सुखाने का तरीका भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे तुम लोग सब सब खीर एक नॉर्मल सब घर में एक ही टाइप की पड़ती है, तो मैंने गर्म दूध के अंदर चावल डाल के मस्त इसको गाढ़ी कर दी और ये मैंने ठंडी कर ली है। हजू मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है, तो अब मैं इसमें डालूंगी चीनी और डालूंगी इसमें मिल्क पाउडर और फिर इसमें डालूंगी रोज़ वाटर। इलायची नहीं है तो इलायची के बदले मैं रोज़ वाटर डाल के खीर बनाऊंगी, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और इलायची नहीं है तो मैं डालूंगी गुलाबों की पत्तियाँ जो मैंने धोई हुई है, केमिकल बिना की ये देसी गुलाब है। अगर केमिकल वाली खुशबू वाले गुलाब हो तो प्लीज़ प्लीज़ खीर में खाने में यूज़ मत करना, तो मेरी केमिकल फ्री गुलाब है, मैंने धोई हुए सुखा के मैंने खुद अपने हाथों से ये सुखा के रखे हैं, ड्राई किए हैं। मैंने शक्कर डाल दी बहुत थोड़ी सी, क्योंकि अब मेरे को बहुत ज़्यादा खीर मीठी पसंद नहीं आती है। मेरे हबी को डायबिटीज़ है तो फीका सब खाते, तो बस मैं भी फीका ही खाती हूँ। अभी वो घर पे नहीं है फिर भी मैं फीका ही खाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दूध का आखा पूरा पाउच पाउच डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये रोज़ वाटर भी मैं इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाह की बरकत। मैंने इसको बिल्कुल ठंडा करके ये सब चीज़ें डालनी है, गरम खीर में नहीं डालनी है। मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है और फिर मैं ये खीर के अंदर रोज़ वाटर भी मैं ठंडे में डाल रही हूँ, शक्कर भी मैं बिल्कुल ठंडे में डाल रही हूँ और मिल्क पाउडर भी मैं ठंडे में डालती हूँ और गुलाबों के फूल भी मैं ठंडे में डालूंगी। ये देखो सुभान अल्लाह, मैंने गुलाबों के फूल डाल दिए और गुलाब डाल दिए, माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, खुद बनाओ, खुद ट्राई करो, नहीं कैसी लगती है वो मेरे को बताओ। तो मैं देखो इसके पहले मैंने इतना प्यारा सा जार लिया है, तो मैं ये जार में सर्व करती हूँ। देखो अब मैंने इसको रख दिया है कुछ देर के लिए फ्रिज में ठंडी होने के लिए। मसाला दिखाऊं? देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब ये होएगी थोड़ी देर के लिए चिल्ड। तो चलो फिर मिलते, तो फ्रिज को करती हूँ बंद। हाँ ये है, देखो मेरा हबी मेरे लिए अंडे रखने के लिए कितनी अच्छी बकेट लाए है माशाल्लाह। तो मैं अंडे देखो एक बकेट में रखती हूँ फ्रिज में। और ये है इनका, इनके दोस्तों ने इतना सब दिया है, तो फिर उसके बारे में फिर बात करूंगी। तो चलो अल्लाह हाफिज़। मेरा फ्रिज बुआ मारी है, थोड़ी देर हो गई है तो फ्रिज को करती हूँ मैं बंद। ये ऊपर का पूरा एरिया है जिसमें मेरा पूरा ब्यूटी का प्रोडक्ट रखे थे मैंने ये फ्रिज के एरिया में। खाली एक ये गार्लिक की बस ये बोटल, ताकि पूरा मेरा ब्यूटी का सामान है इसमें सब। गेंदा फूल सुखाए हुए है, रोज़ वाटर है, फिर गुलाबों के फूल है, बहुत सब चीज़ें हैं जो मैं पहले ब्यूटी करती थी, अभी थोड़ी छोड़ दी है।
तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये देखो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखो मेरी खीर कितनी प्यारी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। जो गुलाबों का कलर है वो धीरे धीरे अंदर जाएगा। मैं इसकी खुशबू भी मैं ढाँप के अब इसको रख दूँगी, इस तरह से ढाँप के रख दूँगी फ्रिज में, बिस्मिल्लाह बोल के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये मेरी खीर तैयार है। अगर मेरी गुलाबों वाली रेसिपी की खीर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ 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 एक लाइक तो बनती है यार, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़, खूब सारी दुआओं में याद।